puede quitarlo. ऐसे ही छोटा सा वीडियो है ये जो है वो थोड़ा खराब हुआ था हमारे मतलब जो मैंने बनाया था तो वैसे मैंने बनाया। जय माता दी, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले जो है वो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल जो है वो नया साल स्टार्ट हुआ है, तो कल मैंने कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया था, तो इसीलिए मैं जो है वो आज आपको न्यू ईयर विश कर रही हूँ। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। सबकी लाइफ में जो है वो नया साल बहुत सारी खुशियां लेके आए। तो आज जो है वो मौसम कुछ बदल गया है, क्योंकि आज जो है वो बारिश हुई थी हमारे घर पे रात को शायद 2-2.5 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास जो है वो बारिश हुई थी। तो ठंड जो है वो काफी ज्यादा हो गई है। मैं भी इस टाइम जो है वो आग सेक रही थी। आज हमने सुबह से आग जला ली है और दिन भर जली हुई थी इस टाइम भी। अब तो ये चलो रात को बुझेगी। तो आप लोग भी जो है वो ठंड का ध्यान रखें, और क्या बोलूं, आप लोग मुझे बताएं कि आपने नए साल में क्या कुछ काम किया, क्या कुछ अच्छे काम किए, क्या कुछ बुरे काम छोड़े। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और चाय पी लो, ठंड का मौसम है। तो आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस टाइम जो है वो सुबह का टाइम है, मैंने चाय बना ली थी सबके लिए। मौसम था कुछ इस तरह का, वो सामने जो है वो थोड़ी थोड़ी धूप भी आ गई थी, हमारे घर पे तो नहीं आई हुई थी। ऊपर मैं दिखाती हूँ आपको, चांद सुबह सुबह जो है वो दिख रहा था अच्छे से। तो सुबह जो है वो थोड़े बादल से भी थे, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो बारिश हुई थी। थोड़ी थोड़ी चिड़िया भी आई हुई थी अपना खाना खाने। और ये है हमारी नए साल की नई आइटम। तो नए साल पे जो है वो कुछ ना कुछ ले लेते हैं। ये है इंडक्शन, मतलब बिजली वाला चूल्हा। तो क्यों लिया हमने नए साल पे? वैसे लेने को तो आगे पीछे भी ले सकते हैं, किसी और दिन भी ले सकते हैं, पर अगर मान लो जैसे नया साल था तो इसको लगाएंगे, फिर जो है वो याद रहता है कि भाई नहीं, हमने इस दिन लिया था। कुछ स्पेशल डे हो, जैसे दिवाली होगी या बर्थडे हो गया या जैसे नया साल हो गया, कुछ भी हो, तो उस दिन ली हुई चीज़ याद रहती है कि हमने जो है वो इस दिन ली थी। अगर किसी और दिन लेते तो वो डेट भूल जाते, इतना याद भी नहीं रहते। तो इसलिए जो है वो हमने इसको जो है वो आज के दिन लगाया था। पुराने वाला हमारा जो इंडक्शन है वो थोड़ा थोड़ा बंद हो जाता था बीच में चलने कई बार, तो इसलिए वो थोड़ी दिक्कत दे रहा था। तो इसीलिए हम जो है वो नया चूल्हा लेके आए थे। इधर जो है वो मेरी सास पूछ रहे थे कि ये तो बटन वाला होगा, क्योंकि जो हमारा पिछला चूल्हा था वो टच था, और इसमें टच नहीं है, इसमें जो है वो बटन है। तो इसलिए वो पूछ रहे थे कि इसमें टच है या बटन है। ये मैं आपको दिखाती हूँ हमारा जो है वो इंडक्शन चूल्हा। इस पे मैंने किया था सबसे पहले पानी गरम, सुबह थोड़ा सा पानी गरम किया था चेक करने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी, नया साल था तो मैंने बनाए थे क्या हमारे बोलते हैं इसको पटांडे। एक बार पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, दिखाया था इसको, पर मैंने जो है वो डिटेल से नहीं बताया था कि इसको कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो में जो है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। अगर किसी को सीखने हो तो वो सीख सकता है, अगर किसी को बनाने हो तो वो इजीली जो है वो अपने घर में बना भी सकता है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा गेहूं का आटा जो सबके घरों में होता ही है वही लेंगे, और इसको जो है वो हम गूंथ लेंगे। तो इसको जो है वो काफ़ी पतला पतला सा गूंदना है आपने। आपका आटा जो है वो जितना ज़्यादा पतला होगा आपकी रेसिपी जो है वो उतनी ही अच्छी बनेगी।
तो आप लोग मुझे बताइए कहाँ कहाँ बनाते हैं, किस किस ने खाए हैं और किस किस के यहाँ पे, किस किस के घर पे इसको क्या बोलते हैं। जैसे मैंने बताया हमारे तो इसको पटांडे बोलते हैं, तो आप लोग भी मुझे बताएं कि आपके जो है वो इसको क्या बोलते हैं। जब बन जाएगा फिर देख लेना, अभी तो आपको शायद नहीं भी पता लगेगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो जो है वो इस तरह से मैंने इसके लिए आटा गूंद लिया था। थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो हम हाथ में लगाते जाएंगे और इसको जो है वो उंगलियों की सहायता से ऐसे नीचे वाली साइड इसको दबाते जाएंगे। इसको जो है वो हम कुछ देर, मतलब मैं इसको जो है वो रख दूंगी ताकि ये हमारा जो है वो अच्छे से सेट हो जाए, बढ़िया, फिर बनाने के लिए भी इजी होता है। इसको थोड़ा ऐसे घुमाएंगे, काफ़ी देर इसको घुमाएंगे, मसल लेंगे इसको काफ़ी देर अच्छे से, फिर जो है वो हमारी रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो ये जो है वो कंपलसरी नहीं था कि न्यू ईयर पे यही बनाए, ये तो हमने उस दिन बच्चों को बुलाया था रोटी खाने, तो खाना खाने बुलाया था उनको घर, तो फिर उनके लिए बनाया था, बनाए थे हमने पटांडे, और इसके साथ बनाई थी हमने खीर जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। खीर बनाई थी मैंने गुड़ वाली। मेरा आटा बन के तैयार है, इसको मैं रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। और अब ये मैंने काफ़ी देर इसको, मतलब 10 मिनट वैसे ही रख लिया था, तो अब मैं जो है वो स्टार्ट करूँगी अपने पटांडे बनाना। तो अभी जो है वो मेरे साथ बनाएंगे पहले, क्योंकि एकदम से जो तवा होता है वो मेरे से सेट नहीं होता, तो इसीलिए वो बना रहे थे। तो ये बहुत अच्छे बनाते हैं गोल गोल से, मेरे से गोल नहीं बनते और ना ही ज़्यादा पतले बनते। तो ये जो है वो जितना ज़्यादा पतला होगा पटांडा, जितना ज़्यादा पतला होगा आपका उतना ही करारा करारा सा होगा। अगर ये थोड़ा मोटा रहेगा तो फिर ये इतना ज़्यादा करारा नहीं होता है, जैसे कि आप इधर देख रहे हो साइड साइड से ये बिल्कुल हो गया है करारा करारा सा, एक साइड ये थोड़ा रहता था बनने के लिए। तो इस तरह से जो है वो थोड़ा थोड़ा आटा जो है वो गूंद लेंगे, और ये है हमारा पटांडा बन के तैयार, करारा करारा सा। इसको आप खा सकते हो चाय के साथ, दाल के साथ, सब्जी के साथ, केक के साथ, जिस मर्जी के साथ। ये है इसका तवा, एक और बना रहे हैं। तो ये तो जो है वो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, मुझसे इतने जल्दी नहीं बनते। मैं जो है वो दिखाऊंगी आपको कि मैंने जो है वो कैसे बनाए थे। तो आप लोग मुझे बताएं कि किसका पटांडा ज़्यादा अच्छा बना है। वो तो मैं वैसे ही बोल रही हूँ, मेरा तो वैसे भी नहीं अच्छा क्योंकि मेरे से नहीं बनता था। तो ये बना रहे थे पटांडे और मैं बना रही थी इधर खीर। ये मैंने चावल डाल लिए थे, इसमें मैंने डाल लिया था दूध। खीर तो जो है वो सभी को बनानी आती है, तो इसीलिए क्या दिखाना है ज़्यादा। फिर इधर देखो पटांडे बनाते हुए मेरे मदर इन लॉ चूल्हे के ऊपर ठंड के मौसम में नए साल पे, सारा आटे के बनाएंगे। इसको जो है वो बनाने के बाद मैं करूँगी ऐसे फोल्ड, थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखना है खुले, फिर इसको जो है वो इस तरह से फोल्ड करूँगी मैं सारे पटांडे को, क्योंकि फिर इसको मैं वो हॉट केस में जो है वो इजीली रख सकती हूँ। अगर इसको मैं फोल्ड नहीं करूँगी तो इतना बड़ा जो है वो मेरे हॉट केस में आएगा नहीं। और ऐसे भी लगा सकते हैं इसको, ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं, फिर भी अच्छे होते हैं। और अब है मेरी बारी बनाने की, तो मैं बनाऊंगी इस तरह से। ज़्यादा गोल तो नहीं भी बनेगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, पर काम चलाने के लिए बना लूँगी। इसमें जो है वो ध्यान रखना पड़ता है, इसमें हाथ भी जलता है क्योंकि तवा जो है वो गर्म है, तो सीधा हम हाथ इस पे ऐसे लगाएंगे तो हाथ तो फिर जलेगा ही। तो इधर जो है वो हमारा करारा करारा सा पटांडा जो है वो तैयार है बनके, और इसको मैंने जो जब मेरे सारे बन गए थे फिर इसको जो है वो मैंने हॉट केस में और ऐसे ही फोल्ड करके सारे उसको रख लिया था। फिर जो है वो आएंगी, बच्चे आएंगे, खाएंगे खीर के साथ। खीर बन रही है चूल्हे पे, सॉरी गैस पे। तो इधर हमारी खीर जो है वो
गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इसमें जो है वो चीनी नहीं डालूंगी, मैंने डाला था इसमें गुड़, जो कि मैंने डालते हुए नहीं दिखाया था। तो ये है हमारी गुड़ वाली खीर, ठंड के मौसम में गर्म गर्म खीर बहुत अच्छी होती है, गुड़ वाली वो भी। और इसको खाएंगे जो है वो इस तरह से, खीर मैंने डाली थी थाली में, ऊपर से डाल लिया था घी, और ये जो पटांडे है इसको जो है वो ऐसे करके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे, और अब आप इसको खा सकते हो। ये आई थी छोटी छोटी कन्याएं, तो इनको जो है वो बुलाया था नए साल पे खाना खाने के लिए। तो हमारे जो घर के, मतलब हमारा जो गांव है ना, वहाँ पे बच्चे थोड़े कम ही है, इतने ही है जितने आपको दिख रहे हैं, एक दो दो तीन, दो तीन और भी है वे। तो हमने तो जो है वो नए साल की शुरुआत कुछ इस तरह से की थी। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने अपने नए साल की शुरुआत जो है वो किस तरह से की थी, क्या क्या किया था। फिर इधर देखो, ये जो है वो आज तो छोटे जाने छोटे का ना, बच्चे खाना खा रहे हैं। इसका नाम है तुम आते भी नहीं कन्नू, जाते तो और आते भी दूसरे नंबर जाते पे इसका नाम है दे। मन्नू, इसका नाम है कार्तिक, ये लड़का है। इसके बाद है अंशी, और उसके बाद है अंशी, एक अंशु एक अंशी, ऐसे ही है। तो ये इधर खा रहे थे खाना, और मेरे सास इनको जो है वो खाना दे रहे थे, मैं तो बना रही थी वीडियो। इसके बाद किया था इन्होंने जो है वो डांस, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा किया था। थोड़ा सा डांस मैंने भी किया था, और फिर हम मैंने बनाई थी जलेबी, जो कि मैंने आज बनाई थी फर्स्ट टाइम। तो ये अच्छी नहीं बनी थी, इसलिए जो है वो मैंने इसकी पूरी वीडियो नहीं डाली है। वैसे ही मैंने थोड़ा सा दिखाया है कि मैंने जो है वो जलेबी बनाई थी टेढ़ी मेढ़ी सी। वैसे तो जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होती है, पर ये कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी थी, तो इसलिए मैं इसकी वीडियो नहीं दिखाऊंगी। किसी और दिन फिर ट्राई करूंगी, शायद बन जाएगी अच्छी। तो आज तो मैं इतनी ही वीडियो दिखाऊंगी। जैसा कि आप देख ही सकते हो, ये देखने में बहुत ही बहुत ज्यादा अजीब लग रही है। मेरी सास मेरे को जो है वो बोल रहे थे कि तूने जलेबी ऐसे बनाई है जैसे मेहंदी का डिजाइन बनाया हो। आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल परसों, जब भी आएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए, तो बेल आइकन को प्रेस करें। और बाकी ठंड काफी हो गई है, तो आप सभी लोग जो है वो अपना अपना ध्यान रखें। थैंक यू।